नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। योगी को धमकी देने वाला शमीम गिरफ्तार, पुलिस ने देसी बम और तमंचा भी किया बरामद। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी शमीम उर्फ बबलू को शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर लाल गोपालगंज स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और 3 अवैध देसी बम भी बरामद किए हैं। आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे वीडियो में आरोपी युवक शमीम FIR दर्ज होने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। रोते हुए डाले गए वीडियो में आरोपी युवक बार बार हाथ जोड़कर अपनी गलती पर पछतावा जताते और माफी मांगते हुए दिख रहा है। आरोपी युवक ने अपने वीडियो में कहा है कि कुछ लोगों ने उसे शराब का नशा कर दिया था और नशे की हालत में उसे CM योगी के खिलाफ धमकी दी थी। उसे अपनी गलती पर पछतावा है और वह CM योगी आदित्यनाथ से माफी चाहता है। आरोपी युवक शमीम उर्फ बबलू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में शमीम उर्फ बबलू ने UP के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वीडियो में आरोपी युवक CM योगी आदित्यनाथ को धमकी व चुनौती देते हुए नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने पर आरोपी युवक शमीम उर्फ बबलू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी। आरोपी के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट सर्वेश कुमार ने केस दर्ज कराया था। प्रयागराज के गंगानगर के नवाबगंज थाने में आरोपी शमीम उर्फ बबलू के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। IPC की धारा 506 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज हुआ था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल RPS समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।